हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टैग रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। मेरा नाम है चंद्रवान चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टैग रेवेन्यू डिपार्टमेंट। दोस्तों, अगर आपके घर में बिजली का बिल एक सीमित आता है, जैसे कि मान लीजिए जनरली तौर पर अगर आप गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने की श्रेणी में आते हैं, अगर आपका गरीबी रेखा कार्ड है, अगर आपका APL कार्ड है, BPL कार्ड है, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो आपका बिजली का बिल जनरेट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो आपका होता है 100 रुपये या फिर 200 रुपये, 300 रुपये, अधिकतम 400 रुपये। इससे ज़्यादा आपका बिजली का बिल जनरेट नहीं किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि आप समय समय पर पे भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपका एकदम से बिजली का बिल 10,000, 5,000, 20,000, 1,00,000 ऐसा आ जाता है, तब आपको क्या करना होगा? दोस्तों, अगर आपका बिजली का बिल एकदम से ज़्यादा आ जाता है, एकदम से अगर आपका बिजली का बिल इंक्रीज़ हो जाता है, या फिर गलत रीडिंग के कारण, कुछ गलत ऐसे इनपुट्स के कारण अगर आपका बिजली का बिल ज़्यादा आता है, तो आप क्या करेंगे? इस स्थिति में आप उस बिल को रिड्यूस कैसे करवाएंगे, उसे कम कैसे करवाएंगे, उसे सही बिजली के बिल में किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे, आज के इस वीडियो पर मैं बताने वाला हूँ। सो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। होता क्या है कि बहुत बार रॉन्ग इनपुट्स के कारण, गलत रीडिंग के कारण और बहुत कुछ ऐसे गलत कारण होते हैं कि आपका जो बिजली का बिल है वो एक लेवल से गलत दे दिया जाता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको MPEB में एक एप्लीकेशन करना होता है। एप्लीकेशन किस प्रकार से बनाया जाता है उसका मैं अभी बताऊंगा आगे, और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने आसान तरीके से। तो दोस्तों, उस एप्लीकेशन को बनाकर आपको कनिष्ठ अभियंता महोदय के नाम से अपने बिजली विभाग में जमा कर देना है, और वहाँ से जो आपकी एप्लीकेशन के बाद मीटर रीडर जो होता है, वो मीटर रीडर आपके घर पे आके आपके मीटर की रीडिंग लेता है, और मीटर की रीडिंग लेने के बाद आपके घर में जितने भी उपकरण चलते हैं उनको थोड़ा सा देखता है और फिर वो चला जाता है। ये करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट जाके कनिष्ठ अभियंता को देता है, जिसे JEE कहते हैं, जूनियर इंजीनियर। तो वहाँ पर देने के बाद आपके बिजली के बिल में सुधार कर दिया जाता है, और आपके पिछले रिकॉर्डों को देखकर, जैसे कि आपका बिजली का बिल पहले 100 रुपये, 200 रुपये आता था, अब एकदम से जो वो ज़्यादा कर दिया गया है, तो उसमें सुधार करके आपका एवरेज बिजली का बिल जितना था उतना ही आपका दिया जाता है। तो आपको ये बिजली का बिल पैड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ज़्यादा बिजली का बिल आता है तो आपको पैड करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस प्रकार से करके और अपने बिजली बिल को रिड्यूस कर सकते हैं, एक लिमिटेशन से आप अपने बिजली के बिल का वहन कर सकते हैं। इस प्रकार आप एप्लीकेशन करके इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, देखते हैं किस प्रकार से इसका एप्लीकेशन किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हमने अपना खुद का ये करवाया हुआ है और खुद का ये एक्सपीरियंस है हमारा, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से हमने एप्लीकेशन किया था और हमारा जो बिजली का बिल है वो पूरी तरह से कम कर दिया गया। तो देखिए, जो हमने अभी कल का ही प्रोसेस है ये हमारा, तो मैंने कहा आपके सामने ये शेयर कर दूँ। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ ये जो प्रॉब्लम होती है क्रिएट होती है, तो आप लोग ये देख सकते हैं एप्लीकेशन का ये फॉर्मेट है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये जो लगा हुआ है पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्कर सील लगी हुई है। तो दोस्तों, ये अभी हमारा कल का एप्लीकेशन है, और जो हमारा एप्लीकेशन है ये पूरी तरह से अप्रूव्ड भी किया गया है, और आके मीटर रीडर जो होते हैं उनके द्वारा हमारी बिजली के जो मीटर का है चेकिंग भी की गई है। चेकिंग करने के बाद वो हमारे बिजली के बिल को सुधार भी दिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा आवेदन है, ये सर्टिफाइड आवेदन है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं किस प्रकार से इसे आप बना सकते हैं, इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप बड़े ही आसान तरीके से इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। वर्ड फाइल है, वर्ड फाइल को आप आसानी से अपने नाम के अकॉर्डिंग रिप्लेस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं किस प्रकार से इसे डिज़ाइन किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ पर डिज़ाइन करके रखा हुआ है, यही एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है प्रति श्रीमान कनिष्ठ अभियंता महोदय पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड तहसील बिजरावगढ़ जिला कटनी मध्य प्रदेश।
तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो ये आप कनिष्ठ अभियंता महोदय जो होते हैं वो आपके जेई कहलाते हैं, तो यहाँ पर आप उनके नाम से एप्लीकेशन दे रहे हैं। यहाँ पर आपका जो भी विद्युत वितरण कंपनी लगता हो वो आप यहाँ पर दे दीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने बिजली बिल पर देखिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि आपका विद्युत वितरण कंपनी किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर आपको अपने तहसील का नाम, अपने ज़िले का नाम और अपने स्टेट का नाम दे देना है। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो ये मैटर नहीं करता है, आपको एप्लीकेशन अपने कनिष्ठ अभियंता महोदय जेई के पास ही देना है और आपको यहाँ पर अपने विद्युत वितरण कंपनी का नाम डाल देना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, यहाँ पर आप लिखेंगे अनिल चक्रवर्ती, पिता स्वर्गीय श्री कामता चक्रवर्ती, निवासी विजरावल, वार्ड नंबर 4, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखने वाली बात यह, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो हमने लिखा हुआ है ये एप्लीकेंट का नाम है जो कि आवेदन कर रहा है, जिसके नाम पर मीटर रजिस्टर्ड है, वो यहाँ पर अपना नाम भी लिख सकता है। मतलब जैसा कि आपके नाम पर अगर आपका मीटर रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपना अपने पिताजी का नाम लिखेंगे और यहाँ पर आप अपना एड्रेस रिप्लेस कर लेंगे। इसके बाद नीचे आपको आना है, विषय में लिखना है आवेदक को घरेलू विद्युत कनेक्शन सर्विस क्रमांक ये जो दिया हुआ है 44 55 22 66 70 692 का बिजली बिल अधिक जारी प्रदान किए जाने बाबत, तो ये आपको विषय में डाल लेना है। विषय आपको इस प्रकार से अपना लिखना है, यहाँ पर आपका जो रहेगा ये, तो ये जो आपका होता है ये मीटर का नंबर होता है, IVRS नंबर जो होता है आपके बिजली के बिल का, ये IVRS नंबर होता है, यहाँ पर आपको ये IVRS नंबर अपना डाल लेना है। इसके बाद आपको नीचे लिखना है, महोदय विषय अंतर्गत अनुरोध है कि पहला यह कि आवेदक उपरोक्त पते का स्थायी निवासी तथा आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने की श्रेणी में आता है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर आपका BPL APL कार्ड बना हुआ है तो आप ये लिख सकते हैं कि आवेदक जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने की श्रेणी में आता है। अगर आपका कोई BPL APL कार्ड नहीं बना है तो आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको सिर्फ यही लिखना है कि आवेदक उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है। दूसरा आपको लिखना है यह कि आवेदक के पिता स्वर्गीय श्री कामता के नाम पर आवेदक के घर पर घरेलू विद्युत कनेक्शन प्रदान किया गया है, जिसका सर्विस क्रमांक ये है जो कि वर्तमान में चालू हालात में है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आप एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपका जो मीटर है वो किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। देखिए बहुत से लोगों के घर पर जो मीटर होता है वो उनके माताश्री के नाम पर होता है या फिर उनके पिताश्री के नाम पर रजिस्टर्ड होता है, तो अगर आपके नाम पर मीटर रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे कि आपके नाम पर मीटर रजिस्टर्ड है। अगर आपके पिताजी के नाम पर रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ पर अपने पिताजी का नाम दे देंगे और यहाँ पर आपको अपने मीटर का IVRS नंबर दे देना है। इसके बाद आपको नीचे लिखना है थर्ड में यह कि आवेदक के द्वारा आवेदक के घर पर सभी कमरों में LED बल्बों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका बिल पिछले माह तक लगभग अधिकतम 200 रुपये, यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं, ही जारी किया गया है, जिसका आवेदक के द्वारा समय सीमा पर भुगतान भी हमेशा किया गया है। तो देखिए दोस्तों ध्यान देने वाली ये बात है कि ये जो कंडिका है ये आपकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंडिका है, इसको आपको बड़े सावधानी से लिखना है। कहने का मतलब ये है कि जो पूर्व में आवेदक का जो बिजली का बिल है वो अभी तक 200 रुपये ही आया है और आवेदक के द्वारा उसे समय सीमा पर भुगतान भी कर दिया गया है, तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद आपको चौथा लिखना है यह कि आवेदक का माह मई का बिजली का बिल विद्युत विभाग द्वारा 5500 रुपये, थोड़ा सा इसे ऐसे कर देते हैं थोड़ा अच्छा लगेगा, अचानक से जारी किया गया जो कि पूरी तरह से गलत है तथा आवेदक इसका वहन करने में पूरी तरह से अक्षम है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका जिस महीने से लेकर आपका बिजली का बिल ज़्यादा जनरेट किया जाता है आप उस माह का यहाँ पर हवाला देंगे और जितना बिजली का बिल आपका ज़्यादा दिया गया है उसको आप यहाँ पर अंकित कर देंगे। जैसे कि मेरे केस में आवेदक का जो बिजली का बिल है 5500 रुपये जनरेट किया गया है और मई माह से वो जनरेट किया गया है, तो मैंने यहाँ पर मई माह का एग्जाम्पल दे दिया है। तो अब नेक्स्ट आपको लिखना है दोस्तों पांचवा, यह कि आवेदक अपने मीटर की रीडिंग पुनः निरीक्षण कर तथा आवेदक के बिजली बिल पर सुधार करते हुए आवेदक के बिजली का बिल पूर्वानुसार जारी करने का आवेदन पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करता है। ये आपको फिफ्थ कंडिका में लिख देना, मतलब ये आपके कहने का मतलब है कि आप हमारे मीटर की रीडिंग ले लीजिए और जितनी मीटर की रीडिंग है उस अकॉर्डिंग हमें बिल जो तक जनरेट होता था पूर्व में वो हमें जनरेट करने का कष्ट करें और इस मीटर के जो आपने ये बिजली का बिल हमें दिया हुआ है इसका वहन करने में हम सक्षम नहीं है और ये पूरी तरह से गलत है। इसके बाद आपको प्रार्थना लिखनी है, प्रार्थना में आपको लिखना है
अतः श्रीमान से सादर निवेदन है कि आवेदक के बिजली बिल पर सुधार करते हुए आवेदक के घरेलू बिजली कनेक्शन क्रमांक 44 52 66 77 692 का बिजली बिल पूर्वानुसार जारी करने का कष्ट करें। ये आपको लिख देना है और नीचे आपको लिख देना है अपना स्थान, जहाँ भी आप जिस भी विद्युत मंडल में इसे दे रहे हैं, जो भी वो आपका स्थान है वो आपको स्थान लिख देना है। जिस डेट को आप ये एप्लीकेशन दे रहे हैं, जिस डेट को एप्लीकेशन कर रहे हैं, वहाँ पर आपकी अपनी डेट रहेगी। और यहाँ पर जैसे कि मेरे केस में मेरा जो एप्लीकेशन का डेट था वो यहाँ पर अगर हम देखें तो 16/6/2020 था। तो यहाँ पर आप अपनी भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर देख दें 16/6/2020। इस प्रकार से आप अपनी डेट, जिस डेट को आप दे रहे हैं एप्लीकेशन, वो डेट आपको डाल लेनी है और संलग्न में आपको बिजली बिल की छाया प्रति संलग्न कर देनी है। बिजली बिल अगर आपको किस प्रकार से डाउनलोड करना है अगर नहीं पता है आपको तो कमेंट करिए, हम इस पर भी सेपरेट वीडियो बना देंगे। सो दोस्तों, इसके बाद आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर लेने हैं। इसका प्रिंट निकालने के बाद आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर लेने हैं और सिग्नेचर करने के बाद आपको इसकी दो प्रतियों में प्रिंट जो निकालेंगे आप, तो उसको लेकर एक प्रति में आपको बिजली बिल लगा देना है और बिजली बिल लगाने के बाद आपको एक प्रति जाकर अपने MPEB विभाग में जमा कर देना है। MPEB विभाग में जमा करने के बाद वहां से आपके घर दो अधिकारी निरीक्षण करने के लिए आते हैं और आपके मीटर का पुनः निरीक्षण करते हैं। मीटर के निरीक्षण किए जाने पर जो भी त्रुटि होती है वो उसे नोट करते हैं और आपके आवेदन पत्र पर उसे संलग्न करके आगे के लिए संप्रेषित कर देते हैं। इसके बाद जो आपके मीटर की जो गलत रीडिंग है या फिर किसी भी अन्य कारण से आपका बिजली का बिल जो ज़्यादा जनरेट हुआ है उसे कम करके आपका एक्चुअल बिजली का बिल आपको दिया जाता है। इस प्रकार से आप इसकी प्रोसेस कर सकते हैं और आपका बिजली का बिल जो है वो घटकर आपके एक्चुअल बिजली के बिल में आ जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही आसान प्रोसेस है और ये फॉलो की गई प्रोसेस है, मेरी स्वयं की प्रोसेस है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका बिजली का बिल जो है कम हो जाएगा। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आप बिजली के बिल के लिए रिड्यूस कराने के लिए, कम कराने के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल टेक रेवेन्यू डिपार्टमेंट को। जुड़े हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।